राजस्थान की झालरापाटन सीट, जो कि सीएम वसुंधरा राजे की राजनीतिक शख्सियत को बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि यहां से वो आज तक कोई चुनाव नहीं हारी है। लेकिन बदलते चुनावी समीकरणों की वजह से उनकी इस जीत की कहानी में इस बार हार का ब्रेक लग सकता है, जिसका अंदेशा खुद सीएम वसुंधरा राजे को हो चुका है। तो क्या है सीट के सियासी समीकरण, जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिसकी तस्दीक तमाम सर्वे से लेकर सट्टा बाजार के आंकड़े भी दे रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन माहौल में बदलाव का जोर ज्यादा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, सीएम वसुंधरा राजे की परंपरागत सीट झालरापाटन खतरे में आ गई है, जहां से वो अब तक अजय रही है, जिसे बचाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दरअसल इस बार सीएम वसुंधरा इस सीट को लेकर आश्वस्त नहीं दिख रही है, तभी तो जहां पिछली बार उन्होंने इस सीट पर बहुत कम प्रचार किया था, वहीं इस बार उनके अलावा पूरा परिवार प्रचार करने में जुटा है। इसी से समझा जा सकता है कि उनके खिलाफ इस सीट पर हवा का रुख क्या है। वैसे झालरापाटन सीट को वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो यहां अजय रहते हुए 3 बार जीतती आई हैं। वहीं कांग्रेस ने उनके विजय रथ को रोकने के लिए यहां कई एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वसुंधरा का रथ जीत के रास्ते पर लगातार दौड़ता रहा। लेकिन इस बार वसुंधरा के प्रति जनता की नाराजगी साफ देखी जा सकती है, खासकर राजपूत समुदाय की। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने इस बार उनके सामने बीजेपी के पूर्व नेता जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को उतारा है, जो हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ऐसे में राजपूत समुदाय की नाराजगी का फायदा मानवेंद्र सिंह को मिल सकता है। साथ ही जिस तरीके से उन्हें झालरापाटन की जनता की ओर से जन समर्थन मिल रहा है, वो भी वसुंधरा के लिए खतरे की घंटी है। वहीं दूसरी ओर राज्य के किसानों के अंदर भी वसुंधरा राजे के प्रति गुस्सा उबाल मार रहा है, जो कि कहीं ना कहीं चुनाव में फूटेगा, जिससे कांग्रेस का फायदा होना निश्चित है। ये सब वजह इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस बार झालरापाटन सीट वसुंधरा के लिए आसान नहीं होने वाली। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। ऐसे में 11 दिसंबर के बाद ही सीट पर तस्वीर साफ हो पाएगी। खबर अपडेट की रिपोर्ट।